अलामा साहब, अभी दो रोज पहले, परसों की बात है, रॉ के मजीद एजेंट्स पकड़े गए हैं, ठीक है, और ये माशाल्लाह कराची के लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन बन रही है। रॉ के एजेंट्स पे एजेंट्स पकड़े जा रहे हैं, पकड़े जाते हैं, मिलते हैं, अदालत जाते हैं, बरी हो जाते हैं। अब यहाँ पर प्रोसिक्यूशन की कमी है एक, या फिर ये हो रहा है कि लोगों के ऊपर इल्जाम लगाकर उनको रॉ का एजेंट बनाकर अदालतों में पेश किया जा रहा है और फिर उसके बाद उनके कोई सबूत नहीं मिल रहा, बारे सबूत डालने की कोशिश की जाती है और बाद में वो जमानत पर रिहा हो जाते हैं। जरा उन तमाम लोगों के लिए जो ये हरकतें कर रहे हैं या किसी बेगुनाह के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, उनके लिए हमारा दीन इस्लाम क्या कहता है, जरा ये भी बता दीजिएगा। और वो लोग जो अगर ऐसे रॉ के एजेंट्स मौजूद हैं और उनकी पुश्तपनाही कर रहे हैं, उनको बाहर निकाल रहे हैं, यानी कि वो भी गद्दार वतन हुए, उनके लिए भी दीन इस्लाम क्या कहता है, जरा आखिर में जाते जाते ये बता दीजिए हमें। अरे मौलाना साहब ने भी कहा, आपने भी फरमाया और वकील साहब ने भी वजाहत की कि चूँकि इस्लामी जो अहकाम हैं उसमें तोहमत भी एक मौजू है कि भाई तोहमत की भी सज़ा है, तो जितने भी उसूल हैं वो जारी सारी तो नहीं है हुकूमती सतह पर अदलिया में, तो अब अखबार की हद तक आवाम को ये बातें पता चलती हैं। तो अभी शुरू में भी ये बात हुई थी कि कितने मुजरिम छोड़ दिए गए किन किन जराइम के, तो वो पूरी लिस्ट अभी सामने आई थी, आपने भी एक पूरी फेरिस्त बताई, ये हुआ शहरों के लिहाज से कि वहाँ ये वाक़ हुआ। तो अब ये तमाम चीज़ें, अच्छा फिर वकील साहब ये कह रहे हैं कि हमारे पास, जब आप पुलिस की कोई बात करें तो पुलिस भी ये कहती साहब हमारे पास गाड़ियाँ नहीं हैं, फला नहीं है, थाने नहीं हैं, असला नहीं है, नफरी नहीं है। तो हर डिपार्टमेंट को आप जिसको भी बात करें वो कहेगा कि ज़राए बहुत थोड़े, ज़राए बहुत कम। यही एजुकेशन का मसला है कि हमारे पास फंड बहुत कम है इसलिए हम पूरे मुल्क को एजुकेट नहीं कर पा रहे, तो यही अदलिया का मसला है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आप इस्लाम का मुताला करें तो इब्तदाई दौर में जबकि गरीब थे मुसलमान और मदीने आए थे, तो उस वक्त महदूद पैमाने पे बद्र की लड़ाई हुई कि कितने घोड़े थे, 10 घोड़े थे, कुछ ऊँट थे और कुछ तलवारें थीं, 8-10 तलवारें थीं, और उसमें वो जंग जीत ली महाजरीन ने और मुसलमानों ने, यानी जज्बा था। तो अगर आपके पास ज़राए कम हैं तो उसमें कम से कम आप इंसाफ तो सही कर सकते हैं, ज़राए को बहाना क्यों बनाया जा रहा। तो जैसा कि किरण ने कहा कि ये चीज़ें जो हैं ये चूँकि इंटरनेशनल जराइम में ये तमाम चीज़ें आ रही हैं, तो इसको भी हम गौर से देखें कि बाहर के लोग मुल्क में आ कैसे रहें, वो दाखिल कैसे हो जाते हैं, इंटर कैसे हो जाते हैं, और वो हमारे मफाद को नुकसान कैसे पहुँचाते हैं। तो ये चीज़ें अजय इसमें सब लोगों को देखना चाहिए, तमाम महकमों को। भाई CID का महकमा इतना बड़ा बनाया हुआ है और कैसे हो जाता है कि बम भी चला जाता है और वो बम्बार्ड भी हो जाता है, इमारत भी उड़ जाती है, और जबकि पहरे भी हैं, नाके भी हैं। तो इस पर आवाम सोचते हैं कि ऐसा कैसे हुआ और सहाफ़ी उसकी वजाहत नहीं करता। तो हमको ये चाहिए कि सहाफत में आवाम के जो खदशात हैं उन्हें दूर करें। पुरनूर सहर और जिक्र खुदा, नबियों की मदहा सराई, पैगाम सुना एबादे सबा, पुरकैफ साथ आई, पोशीदा है ईमान की राह अल्लाह की किताबे मुकद्दस में, बस गौर व फिक्र का दर है खुला हिकमत से सजी इस महफिल में, है लब पे दुआ जिदनी इल्मा, रोशन ही रहे ये सारा जहां, रिमझिम रहमत की घटा हर एक ने हिदायत पाई, नेमत और बरकत से सजा इफ्तार और सहर का दस्तरखा, नन्हे फूलों ने मिलके कहा आज रोजा कुशाई है, रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में वो, रमजान
रमजान अल मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल फहीम खान और किरण नाज के साथ रोजाना सुबह 3 बजे सहर ट्रांसमिशन और शाम 5:30 बजे अफ्तार ट्रांसमिशन सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।